अगर लाभ हानि के पचवा भाग अगर नहीं देखे हैं तो पचवा भाग देख लीजिएगा। उसमें हम पूरा लाभ हानि के पूरा सूत्र हम लिख दिए हैं और उसको देख लीजिएगा। देखिए अब भाग हम 6 बना रहे हैं, 19वां नियम, 18 नियम तक हम बना दिए हैं। 19वां नियम देखिए, इसमें लिखा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम वीडियो 3 में, पार्ट 3 में हम बताए, उसमें हमने बताया है लेकिन रुपया नहीं दे रहा है, जिसे 17 गेंदों को बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसमें ये था। लेकिन है उसी तरह से हल्का से तरीके चेंजिंग हो गया है, वही आपको विधिवत देख लीजिए। मान लीजिए कभी तुम्हारे सामने ऐसी सीन आवे कि 15 गेंदों को या 10 कुर्सियों को बेचने पर, यानी 10 कुर्सियों को 500 रुपए में बेचने पर 3 या 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या मतलब 10 कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर हमका एक कुर्सी का क्रय मूल्य मालूम हो जाए तो चाहे 1000 कुर्सी के अगर निकाले हो तो निकल जाए, इंक्लूड ना कर देंगे। अब देखिए हम इसको जो ये लिखा हुआ है जान लें, ये इतना नहीं लिखा हुआ, हम इसको हम नहीं देखेंगे मान लीजिए। तो इसके पहले जो हम पार्ट 3 में हम बताए हैं कि 17 गेंदों को बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो पहले हम देखेंगे कि मतलब कि 17 गेंदों का क्रय मूल्य जो है कितने गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए जब लाभ हुए तो सबसे पहले हम लाभ का सूत्र लिखेंगे। लाभ बराबर होने का लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ लाभ कितना होता है, 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अगर हम लाभ के नीचे लिखेंगे तो लाभ के नीचे तो हम लिखेंगे 3 गेंद का क्रय मूल्य लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखा है 3 गेंदों का के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ के नीचे लिखा 3 गेंदों का क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, 17 गेंदों को बेचने पर, एक है मतलब 17 गेंदों को बेचने पर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य, तो यहां लिखेंगे 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस अगर हम 17 गेंद का बेचे तो एक है मतलब कि 17 गेंद हम खरीद के ले आ रहे हैं, तो एक है मतलब कि क्रय मूल्य के नीचे का लिखा 17 गेंदों का क्रय मूल्य, इतना है ना। अब देखा क्रय मूल्य और क्रय मूल्य दो बार रहा है, तो जो दो बार रहा है उसका एक तरफ पहले वो, तो अब एक जो ना उठाए किधर लाओ, 3 गेंद का क्रय मूल्य और जब इधर माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, और प्लस 17 गेंदों का क्रय मूल्य, अब बराबर का हो गया 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। अब 3 गेंद का क्रय मूल्य धन 17 गेंदों का क्रय मूल्य, 3 गेंदों का क्रय मूल्य और धन 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाए 20 गेंदों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ई बराबर हो गया 17 20, अब यानी कि 3 गेंदों का क्रय मूल्य है
17 गेंद, यानी कि ये मतलब ये 17 गेंदों का क्रय मूल्य 3 और 17 यानी 20 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर हुई है 17 गेंदों का, यानी कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यानी कि हमारा पता चल गया कि जितना हम 20 गेंद का हम खरीदे रहे जितने माह, उतने माह हम 17 गेंद बेचे। पता चल गया कि 20 गेंदों का क्रय मूल्य जो है वो 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लिया, माना क्या मानेंगे, एक गेंद का क्रय मूल्य, मान लीजिए एक गेंद का क्रय मूल्य कितना बार, मान लिया x रुपया बार, तो 20 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाए, बराबर 20x हो जाए, 20x रुपया। जब एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया, दुई गेंद का क्रय मूल्य 2x रुपया, तीन गेंद के क्रय मूल्य 3x रुपया, इसी तरह क्रम में जब हम चलेंगे तो 20 गेंदों का क्रय मूल्य हो जाए 20x। अब क्या कह रहा है, सवाल पे आइए, कह रहा है कि 20 गेंदों का क्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब जितना 20 गेंदों का क्रय मूल्य बा उतना हमारे 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है। अब यानी कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, अब 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20x रुपया। अगर तुम्हे दिमाग में आवे काहे भरे यहू के 20x हो गया, क्योंकि जो हम लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से निकाले ही उसमें निकाले कि 20 गेंदों का क्रय मूल्य ई बराबर है 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक है मतलब कि जय रुपया का हम 20 गेंद खरीदे ही उतने रुपया में 17 गेंद बेचे ही, जब हम 20 गेंद हम 20x रुपया में खरीदे ही, एक है मतलब कि हम 17 गेंद हम 20 रुपया बेचे। अब केवल अब यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अब अंतिम स्टेप यानी यही समझ में आ गया, बस केवल इन्हीं कहता है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, एक है मतलब कि 17 गेंद कितने के बेचे हैं 720 रुपया का, तो एक है मतलब 17 गेंदों का विक्रय 20x है, तो एक है मतलब ई 20x जो बाई ई बराबर कितने क्या है, ई बराबर है 720 के। समझ आओ कि यही कहने का मतलब, इसमें कह रहा है सवाल में ही कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, एक है मतलब कि 17 गेंद 720 रुपया के बेचे हैं, एक और 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 20x निकाले ही, एक है मतलब ई 20x जो ना है ई बराबर है 720 के। अब तो x बराबर का हो जाए 720 बटे ई नीचे हो जाए 20, तो x बराबर हो जाए 0 0 कट गया, तो 2 3 6 एक बचे 12, 2 6 12 यानी कि 36 रुपए। अब x के गेंद के दाम माने हैं एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, और कहता है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक तो ये x मान जो ना है ये लिखे एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया माने हैं, x जो ना है x बराबर 36 आवा है, देगा मतलब कि x जब 36 लिख देंगे इसका मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाए 36 रुपया। तो अगर यह तरह से अगर आता है कि जैसे 15 गेंदों को 500 रुपए में बेचने पर 7 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या अगर इस तरह से सवाल दिए हैं तो उसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, 19वां नियम। यह है हमारा 19वां नियम। अब 20वां नियम देखिए 20वां नियम में क्या है, अब इसमें क्या किए, वही सवाल है, बच्चे तो हमारे देखते होंगे तो कहते होंगे तो यह वही है, लेकिन तरीके एक जगह चेंज है, जहां
लाभ लिखा हुआ था वह हानि है। अगर मान लीजिए अगर लाभ के यानी क्रय मूल्य के लाभ के बराबर अगर क्रय मूल्य के लाभ के बराबर अगर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हम 19वां नियम लगाएंगे। लेकिन 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसके पहले था यानी 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। इसमें कह रहा है 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर लाभ होगा तो हम 19वां नियम लगाएंगे, हानि होगा तो 20वां नियम लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे देखिए, सुंदर राइटिंग लिखेंगे हल। तो अब यानी कि इसमें कह रहा है कि हान अगर लाभ हो तो लाभ का सूत्र लिखेंगे, हानि हो तो हानि का सूत्र लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब वीडियो पार्ट 5 में भाग 5 में हम पूरा लाभ हानि के पूरा सूत्र लिखवा दिए हैं। अगर भाग 5 नहीं देखे हैं तो भाग 5 देख लीजिएगा। तो अब देखा तो हानि हो रही है, अगर हानि होए तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखा, लाभ हो तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखा। अब हानि क्या हो रहा है देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 3 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए मतलब 3 गेंदों का क्रय, यहां हानि लिखा है यहां लिखा 3 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब यानी 17 गेंद खरीदे हैं, 17 गेंद अगर बेचे तो 17 गेंद खरीदे हैं, तो यानी कि क्रय मूल्य के नीचे लिखा 17 गेंद का क्रय मूल्य, गेंदों का क्रय मूल्य। अब माइनस है माइनस लिखा, माइनस है माइनस लिखा, विक्रय मूल्य है 17 गेंद खरीदे तो 17 गेंद बेच दिया, तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख दिया, तो लिख दिया 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। अब यदि क्रय मूल्य इकट्ठा हो जाए तो अब ये हम 17 गेंदों का क्रय विक्रय मूल्य, अब देखा अब इसको अगर हम लाते हैं तो हमारा प्लस में हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, हम यहां लिखेंगे 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर, अब इसको इधर, अब यहां कितना है 17 गेंदों का क्रय मूल्य, और इधर से क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य इकट्ठा करेंगे, विक्रय मूल्य इकट्ठा करेंगे, एक क्रय मूल्य है एक क्रय मूल्य है। जब इस 3 गेंदों का क्रय मूल्य जब इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 3 गेंदों का क्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब देखिए 17 गेंदों का विक्रय मूल्य माइनस 17 में से 3 घटा दे, 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 3 गेंदों का क्रय मूल्य, तो 17 में से 3 घट गया, कितना हो गया 14 गेंदों का क्रय मूल्य 17 यानी। तो अब यानी कि इसको हम इधर लिख लेंगे, लिखेंगे 14 गेंदों का क्रय मूल्य ई बराबर, मतलब एक का इधर लिख दिया और एक का इधर लिख दिया, यानी कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य। यानी कि अब ये पता चल गया कि जितने में हम 14 गेंद खरीदे हैं, जितने में हम 14 गेंद खरीदे हैं उतने में
17 गेंद हम बेचे ही। तो मान लिया अगर हम एक गेंद का क्रय मूल्य अगर यक्ष रुपया बा तो 14 गेंद के, 14 गेंद के क्रय मूल्य का हो जाए 14 यक्ष रुपया हो जाए, यही तो है। अब कहा था 14 गेंदों का क्रय मूल्य ई बराबर एक है, मतलब 14 गेंद जितने में हम खरीदे हैं उतने में हम 17 गेंद बेचे ही, तो 17 गेंद का विक्रय मूल्य ई बराबर हो जाए 14 यक्ष रुपया के। अब अभी मालूम है कि 17 गेंद हम बेचे ही कितने का, 14 यक्ष का। अब सवाल पे चलिए, कहा था है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर एक है, मतलब कि 17 गेंद के दाम 720 रुपया बा बेचे वाला, तो एक है मतलब कि अब ई 14 यक्ष जो ना है ई बराबर है कितने के, 720 किया है। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर एक है मतलब कि 17 गेंद का विक्रय मूल्य 720 रुपया देना है, और यह 17 गेंद का विक्रय मूल्य निकाले 14 यक्ष, एक है मतलब कि 14 यक्ष जो ना है ये 720 के बराबर है, तो यक्ष बराबर हो गया 720 बटे 14। अब इसको जब काटेंगे तो हमारा ये यक्ष बराबर, अब 720 का हम 14 से भाग दे देंगे, 14 पंचे 70, फिर 2 7 में से 7 गए कुछ नहीं 0, 14 का नाम 14, 14 दुनी 28 ज्यादा और ये 14 का नाम 14। अब एक जब घटाएंगे 10 में से 4 गए 6 और कुछ नहीं, एक का मतलब 51 सही 6/14 रुपया, तो एक का मतलब अब x बराबर हो गया 51 सही 6/14। अगर इसको और काटना चाहो तो काट लो, तो x बराबर हो जाए 51 सही 2 3 2 7 इतना हो गया। अब ये क्या मतलब कह रहा है कि एक गेंद का दाम क्या होगा, तो अब यानी कि एक गेंद का दाम हम कहां माने ही x रुपया माने ही, अब x बराबर कितना हुआ 51 सही 3/7 रुपया, तो ये मतलब एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 51 सही 3/7 रुपए। तो अब ये हमारा 20वां नियम है। चलिए 21वां नियम, इसी सवाल को हम एक सवाल बना के दे देते हैं, यही सवाल है लेकिन जहां 5 गेंद है हम इसको हम और जहां 3 गेंद है इसको 5 कर देते हैं, ये दूसरी सवाल लगा लीजिएगा। तो अब ये सवाल लगा लीजिएगा, देखिए लाभ हानि के 21वां नियम, 21वां नियम लास्ट है। अब आप लोग अगले वीडियो में बट्टा पढ़ेंगे, आप लोगों को बट्टा बताएंगे। तो इसमें लिखा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात यानी में 20:21 का अनुपात है, तो कुर्सी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखा हम हर वीडियो में हम आपको बताए ही, अगर मान लीजिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई तो खरीदे वाला दाम मालूम हो जाए और बेचे वाला दाम मालूम हो जाए, तब हमारा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकले। हम हर पार्ट में हमने बताया है, तो अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। अब देखिए कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, अब कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, तो हमारा प्रतिशत लाभ निकल गया है। तो अब देखा इसमें लिखा एक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20:21 का अनुपात है। अगर कभो अनुपात
अनुपात में क्रय और विक्रय मूल्य अनुपात में दे रहा है तो ओका हम पहले मान ले भाई, माना सुंदर लाइन लिखेंगे, माना एक कुर्सी, माना एक कुर्सी का क्रय मूल्य, तो एक कुर्सी माना एक कुर्सी का क्रय मूल्य है ये 20 है तो 20x मान लिया, 20x रुपया। फिर अब एक कुर्सी का अब विक्रय मूल्य निकाल लिया, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। अब यदि कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य बिना 21 भाई कहता है 20 अनुपात 21 एक है मतलब कि यानी कि क्रय मूल्य के अनुपात 20 है विक्रय मूल्य के है 21 तो 21 आती है ये 21x रुपया। अगर यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर अनुपात में दीना है तो पहले वो का हम मानव तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य जितना यानी दे रहा है वही में x लगा दिया, 20 दिना तो 20x लिख दिया, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हो ये 21 दिना तो 21x लगा दिया। अब एक है मतलब हमका यानी कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य मालूम होगा और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मालूम होगा। अब हमारा प्रतिशत लाभ निकल गया है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो, प्रतिशत लाभ बराबर कहां होता है, पार्ट 5 में हम पूरा सूत्र लिख दिए हैं, प्रतिशत लाभ बराबर होता है 100 × लाभ सुंदर राइट में लिखेंगे बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है। अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है एक है मतलब जब हमका लाभ मालूम हो जाए क्रय मूल्य मालूम हो जाए तब हमारा प्रतिशत लाभ निकल गया है। तो अब वही चलते ही पहले का निकाले लाभ, अब लाभ निकाले तो लाभ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक इन्हीं लाभ हानि के आखिरी वीडियो है, एक बार हम पुनः हम दोहराना चाहते हैं कि जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी बेचे वाले दाम में से अगर हम खरीदे वाला दाम घटाएंगे तो हमारा लाभ निकलता है, और यानी खरीदे वाले दाम से अगर हम यानी कि बेचे वाला दाम घटाओ नहीं तो हमारा हानि निकलता है, ये दिमाग पे रख लीजिएगा। अब बराबर है, बराबर लिखा विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 21x है, एक है मतलब जहां विक्रय मूल्य लिखा हुआ हम यह कितना लिख दे 21x लिख दे, माइनस है माइनस लिखा क्रय मूल्य, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 20x, एक है मतलब जहां क्रय मूल्य लिखा हुआ यहां हम 20x लिख दे। अब देखा बराबर 21x में से 20x घटा दिया 1x रुपया आ गया, एक है मतलब लाभ हमारा निकल गया 1x रुपया का। लेकिन अब यह सवाल दिन हो कि तो एक कुर्सी पर कितने रुपए का लाभ हुआ, अगर ये होते या यही सो रह जाते कि 1x रुपया का लाभ था, लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसलिए हम यहीं पर अगर रोक देते हैं तो हमारा फिर बेकार हो जाए, इसलिए क्योंकि हमका प्रतिशत लाभ निकालने का है। तो आप देखा प्रतिशत लाभ के सूत्र का होता है, तो पहले प्रतिशत लाभ के सूत्र लिख के और वही हम माना के बराबर 100 लिखा इंटू लाभ, अब जय रुपया लाभ हो तो एक रुपया लाभ है तो एक लिख दिया, अब बटे क्रय मूल्य यानी एक कुर्सी जितने में खरीदे हुआ 20x लिख दिया क्रय मूल्य, अब x कट गया और 0 से 0 कट गया, 2 × 5 = 10 यानी कि 5% लाभ ये होगा, 5% लाभ होगा। अब यानी कि इसको आप लोग यानी कि 21वां नियम लगा दीजिएगा, ये लाभ हानि के अंतिम सवाल है, एक सवाल हम दे रहे हैं आप लोग मतलब लगा लीजिएगा, जिसे यहां अगर दे दिया या 5 × 9, अब इस सवाल को लगा करके कमेंट करिएगा एक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:9 का अनुपात है तो एक कुर्सी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
अब यानी कि अब अगले वीडियो में हम बट्टा के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।